स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूँ प्रीति बिष्ट। 40 साल बीत चुके हैं लेकिन इतने साल बाद भी आपातकाल का जिन्न पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस बार आपातकाल की कड़वी यादों के निशाने पर संघ है। पूर्व आईबी चीफ टीवी राजेश्वर ने संघ पर आपातकाल का समर्थन करने का दावा किया है। आपातकाल पर सियासी भूचाल। चंद महीने पहले ही आपातकाल को 40 साल पूरे हुए, अब एक बार फिर इस पर राजनीतिक भूचाल आ सकता है। बात ही कुछ ऐसी है। अभी तक आपातकाल को लेकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस को कोसने वाले संघ के दामन पर भी आपातकाल के छींटे पड़ते नजर आ रहे हैं। पूर्व आईबी चीफ टीवी राजेश्वर का दावा, आपातकाल को लेकर बड़ा खुलासा। इंदिरा गांधी को था संघ का समर्थन। तत्कालीन संघ प्रमुख ने की थी इंदिरा गांधी से संपर्क की कोशिश। ये दावा पूर्व आईबी चीफ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे टीवी राजेश्वर ने किया है। कई सनसनीखेज खुलासों वाली अपनी आने वाली किताब द क्रूशियल ईयर्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि संघ के तत्कालीन प्रमुख बाला साहब देवरस इंदिरा गांधी और संजय गांधी से मिलना चाहते थे लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। अब सफाई देने की बारी संघ और बीजेपी की है। साथ ही सियासी भूचाल आने के पक्के आसार नजर आ रहे हैं। बहरहाल सवाल ये है कि क्या इस खुलासे से कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल पाएगी? अब तक बुक बम से फायदा उठाती आई बीजेपी बैकफुट पर जाएगी? आपातकाल पर भूचाल आने से पहले एक और सवाल उठता है, ये खुलासा 40 साल बाद क्यों किया गया? ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाने या किताब के लिए प्रचार करने का प्रयास तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।